मॉर्निंग आदाब नमस्कार। टुडे वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मैम फॉर होम ट्यूशन क्लासेस। सो टुडे वी हैड स्टार्टेड नो डिफरेंट सब्जेक्ट एंड दैट इज़ फर्स्ट यूनिट ऑफ दैट सब्जेक्ट। फ्रॉम दिस पिक्स यू कैन अंडरस्टैंड वाट वी आई एम गोइंग टू स्टार्ट। इट इज ज्योग्राफी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, सिविक्स के बारे में बात किया, सोशल जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पिक्चर से आप बता कर सकते हैं कि ये किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जी हाँ, आज ये अर्ली मैंस की पिक है, तो हम जो है हिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये हिस्ट्री किसको बोलते हैं? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हिस्ट्री बड़ी बोरिंग है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो अब ये हिस्ट्री किसको बोलते हैं? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड इट इज़ मोर मच मोर देन मेमोराइजिंग डेट्स। अभी जो है मोस्टली हिस्ट्री को माना जाता है, नहीं जी आपने याद रखना है कि जैसे हमारा वैदिक पीरियड कितने डेट से कितने डेट तक रहा, आपका अकबर कब आया, आपका मौर्य अशोक कब हिंदुस्तान में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य कब रहा, अभी मुगल पीरियड कब तक रहा, शाहजहां ने ताजमहल कब बनाया। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ ये डेट्स याद रखना ही हिस्ट्री है, लेकिन ये इट इज़ समथिंग एल्स। तो हाउ व्हेन एंड वेयर, तो हिस्ट्री क्या है, कब कैसे और कहाँ। तो हमारा टॉपिक भी आज हमारा हमारा जो फर्स्ट जो लेसन है, फर्स्ट जो यूनिट है, चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का क्लास 8th में, वो है हाउ व्हेन एंड वेयर। और हमारी जो बुक का नाम है अवर पास्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अवर पास्ट क्यों नहीं है हमारे, अवर पास्ट क्यों है, यानी अवर पास्ट क्यों है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि इसका नाम अवर पास्ट क्यों है, अवर पास्ट क्यों नहीं है। तो हमारे ये जो पहला चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, अभी ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन इसकी जो बेस है, जो हिस्ट्री बुक की जो बेस है वो इसी पे है, तो आज हम इसी इसी स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप इसको देखें, हिस्ट्री किसको बोलते हैं, तो जो पुराने हिस्टोरियंस थे तो ये बोला करते थे देयर वॉज अ टाइम वैन हिस्टोरियंस वेर फैसिनेटेड विद डेट्स। वो डेट्स को ही समझते थे कि यही हिस्ट्री है, कि कौन सा रूलर कब आया, कौन से रूलर ने कब किसका क्राउन कब तक रहा, जो अभी तक मैं बात कर रहा था। तो मोस्टली ये कंसेप्ट है कि ये हिस्ट्री जो है मेमोराइजिंग डेट्स, कि डेट्स को याद करना ही हिस्ट्री है। लेकिन बट नाउ टाइम हैज चेंज्ड, हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर अ टाइम। हिस्ट्री किसको हम बोलते हैं, कि जो चेंजेस होती हैं समाज के अंदर, मुल्क के अंदर, किसी भी तरीके की जो चेंजेस होती हैं उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन बट वाट वी सी अराउंड अस। तो बोलते हैं कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जब हम रहते हैं, जब हम कहीं होटल पे चाय पी रहे होते हैं, हम ये नहीं पूछते कि ये चाय बनी कैसे, कब आई, कहाँ से शुरू हुई, ट्रेन में बैठे हैं तो कब ट्रेन बननी शुरू हुई, कब ये चली, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। तो नटशल हम बोलें तो हम बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट ये है कि हिस्ट्री जो है सिर्फ डेट्स को याद रखना है, लेकिन हिस्ट्री का मीनिंग क्या है, हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर अ टाइम, दैट इज फाइंडिंग हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो ये इसका नटशल मीनिंग, अगर आप इसको नोट करना चाहें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, हाउ चेंजेस वेयर इन पास्ट एंड हाउ दे हैड चेंजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने इसका इसका जो निष्कर्ष कंक्लूजन है मैंने इसमें रखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिस्ट्री इज रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम। एक लेफ्ट हैंड टी का इसमें एक लोगो दिया गया है आपकी हिस्ट्री की बुक में, जो फर्स्ट चैप्टर है। वी कैन नॉट डिटरमाइन अ स्पेसिफिक डेट व्हेन ब्रिटिश रूल वॉज स्टार्टेड एज इट
हैपन्ड ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। तो अगर आपको बोला जाए कि हमें बोला जाए कि ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान में कब स्थापित हुआ, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ब्रिटिश रूल 1600 में आए, क्योंकि वो तो ट्रेड करने आए थे। तो ट्रेड करते करते हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि 1757 में जब फर्स्ट बैटल पैलेसी हुई तो तभी शुरू हुआ, या 1857 में ही शुरू हुआ। तो इसमें बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो जिसकी वजह जिसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। सिमिलरली वी डिवेलप्ड अ टेस्ट, जैसे हमने एक एग्जाम्पल इसने दी है, हमारी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, सिमिलरली वी डिवेलप्ड अ टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम ये नहीं बोल सकते हम चाय पीते हैं तो हमारा चाय का जो टेस्ट है वो कब बना, यानी 31 मार्च को बना, या 30 मार्च को बना, या अप्रैल को बना, या 2017 या 2013 में। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता बन के हमारा टेस्ट चाय के लिए बना। तो बोला जाता है पहले सिर्फ चाइना के लोग ही चाय पीते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत हम में डाली जो अंग्रेज़ों ने हम में डाली। तो आगे बढ़ते हैं हम। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बेक टू नोशंस ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर आर मंथ। सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट कि हमारे पास जो डेट्स होती हैं कि नहीं जी इस तारीख को अंग्रेज़ों ने, इस तारीख को चाय बनी, इस तारीख को चाय हिंदुस्तानियों पीनी शुरू कर दी, तो ये गलत होगा, ये एक गलत धारणा है। तो इस धारणा को चेंज, यानी ये जो पहला चैप्टर है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने वो वाला धारणा, हमने व्हेन हाउ व्हाई वियर ये वाले क्वेश्चन रेज करने, ये वाले क्वेश्चन अपने दिमाग के अंदर, अपने जहन के अंदर रेज करने हैं। अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे, अगर ये वाला पैराग्राफ हम देखें, तो पुरानी जो हिस्ट्री होती थी उसमें ये लिखा होता था, इट वाज मेंशन्ड कि हिस्टोरियंस रोट अबाउट द किंग वाज क्राउन्ड, कब बादशाह का राज बना, कब वो शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, कब उसका बच्चा फिर दोबारा राजा बना, कब उसने जंग लड़ी, कब वो मर गया, कब नया राजा बना। तो ये पुरानी हिस्टोरी, यानी पुरानी हिस्ट्री इसी पे डिपेंड करती थी कि ये कब कैसे हुआ। लेकिन अभी जो लास्ट 2 ईयर से हिस्टोरियंस ने अपना फ्रेमवर्क चेंज किया है, तो अब क्या किया जाता है, अभी जो नई पैटर्न चला हिस्ट्री का, कि वहाँ पे लिखा जाता है कि हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस, दे लुक टू हाउ पीपल अर्नड दियर लाइवलीहुड, किस तरीके से वो अपना लाइवलीहुड कमाते थे, एंड व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, वो पैदा क्या करते और खाते क्या थे। यानी अभी जो राजा से बाहर निकल रहे हैं, यानी पहले ज़माने में सिर्फ राजा को फोकस करके, अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव वगैरह, इन्हीं के बारे में आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी। लेकिन अभी हिस्ट्री का मतलब ये नहीं था कि आपने सिर्फ राजा के बारे में लिखना है, हिस्ट्री का मतलब ये था कि पूरे आपने उस पीरियड के, उस एरा के बारे में लिखना है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हिस्ट्री इज समथिंग एल्स, बट विच वट हैड बिन गिवन टू अस इज समथिंग एल्स। सो अगर आप फर्स्ट मैप्स ऑफ जेम्स रेनेल, ये वाली पिक्चर आपके बुक में है, जो 8th की बुक है, अगर आप देखना फर्स्ट पेज पे है, तो यहाँ पर जेम्स रेनिल, ये जेम्स रेनिल कौन था, ये एक हिस्टोरियन, ये हिस्टोरियन नहीं, हिस्टोरियन था, और ये इसको एक काम दिया गया था हिंदुस्तान में, अगर मतलब अगर आपने अपना वर्चस्व जमाना है तो यहाँ पर एक काम करना होगा। अंग्रेज़ों ने इसको, जो वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने इसको काम सौंपा था कि इंडिया के आप मैप्स बनाओ। तो उसने एक मैप बनाया हुआ है यहाँ पर, कि पहला मैप जो ये आपके सामने है, यहाँ पर एक मदर ब्रिटेनिया दिखाई गई है, और हिंदू ब्राह्मण जो है वो इसको अपने अपनी दे रहा है, अपनी जो हमारा पुस्तक दे सौंप रहा है इसको। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ, प्रोड्यूस मैप्स ऑफ रेनेल वाज आस्ट बाय रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने इसको भेजा गया था, जेम्स रेनिल को रॉबर्ट क्लाइव ने भेजा था। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या था, बोलते हैं कि ये क्लर्क था, और क्लर्क से ये यहाँ का गवर्नर बन गया, और लाखों करोड़ों की दौलत इसने जमा की। फिर इसके ऊपर केस भी चला था इंग्लैंड में, फिर उसने सुसाइड कर लिया था। तो यहाँ पर इस मैप में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण हैं वो वॉलेंटियरली, विलिंगली जो है अपने जो एंशंट
एंशंट जो टेक्स्ट्स हैं वो ब्रिटेन को सौंप रहे हैं कि वहाँ पर ये सुरक्षित हैं, यानी ये हमारी जो संस्कृति है ये आपके पास सुरक्षित है, हमारे पास सुरक्षित नहीं है, तो ये खुद ये उसको सौंप रहे हैं। तो ये सब कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है जेम्स मेरिल ने, जो आपके बुक में यहाँ पर दिया गया। अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे, जेम्स रेनेल एंड रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स मिल यहाँ पर आया है, तो जेम्स रेनेल एंड जेम्स मिल, ऊपर से लिखा हुआ रॉबर्ट क्लाइव, इसको आप ना पढ़ें। रॉबर्ट क्लाइव ने ही जेम्स मिल को रेनेल को रखा था। जेम्स रेनेल जो था इससे प्रभावित हुए थे, जेम्स मिल ये भी एक हिस्टोरियन रहे हैं, तो उन्होंने हिस्टोरियन पॉलिटिकल फिलोसफर, इसने बहुत सारी चीज़ों पे लिखा हुआ, अगर आप बोलें तो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है ये, ठीक है, तो एक बड़ा स्कॉलर है, इसने इसका बड़ा योगदान है हिस्ट्री में, हमारे पॉलिटिकल साइंस में। तो ये जेम्स रेनिल है, तो इन दोनों का जो है हमारे हिस्ट्री में बड़ा मिलता है, जो इनका लिटरेचर है हमारे पास मिलता है, इनसे मुतासिर है हमारा लिटरेचर। व्हाट डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज टू सेट अ डेट एज इम्पॉर्टेंट। तो एक और क्वेश्चन उठाया एनसीईआरटी ने कि हम कौन सा क्राइटेरिया चूज़ करते हैं कि हमारी कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट है, कौन से क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि इस डेट को अकबर हिंदुस्तान का राजा बना। क्या एग्जैक्ट वही डेट थी क्या जिस दिन वो राजा बना? बहुत सारे रीजंस रहे होंगे, बहुत सारा कब वो आया, वो डायरेक्ट आके हिंदुस्तान का राजा नहीं बन गया, डायरेक्ट आके बाबर हिंदुस्तान का राजा नहीं बन गया, तो उसके बहुत सारे स्टेप्स वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स रहे होंगे। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंप्रोज आवर स्टोरी द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट देयर ओन, दे बिकम विटल बिकम बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम किसी एक सेट को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है डेट्स के बारे में बताता है, और जैसे हमने जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है, तो जैसे मैंने अभी बोला तो पूरी हिस्ट्री किसके बारे में, वेल्सलाई के बारे में, लॉर्ड बेंटिक के बारे में लिखी हुई, लॉर्ड डलहौजी के बारे में, लॉर्ड कैनिंग के बारे में लिखी हुई है, तो उनके बाद कौन सा गवर्नर आया, उसके बाद अगर आप मेडवेल हिस्ट्री को आप देखें तो पहले बाबर आया, हुमायूं आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, लेटर मुगल्स आए वगैरह वगैरह, वो डेट्स रखी होती है वहाँ पर। तो बोलता है कि क्या वही डेट्स क्या इंपॉर्टेंट है, वो एक क्वेश्चन ये रेज करता है एनसीईआरटी यहाँ पर। 1817 जेम्स मिल जो है एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है ये, और पॉलिटिकल फिलोसफर, स्कॉटिश मतलब ये स्कॉटलैंड का है, और ये इसने भारत में जो इसका वर्क काम है इसको, ये बहुत प्रिसाइज है, और इसने एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी है 3 वॉल्यूम, और उसने हिंदुस्तान को जो है, हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स में बांटता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फर्स्ट पीरियड को उसने बोला हिंदू पीरियड, सेकंड पीरियड को बोला उसने मुस्लिम पीरियड, थर्ड पीरियड को बोला उसने ब्रिटिश पीरियड। तो जिसको हम अगर जो उससे पहले हम क्या करते थे कि हम अपने जो हमारी हिस्ट्री थी इसको हम बोलते थे एंशंट, और इसको बोलते थे मिडवेल भी बोलते थे हम, और इसको मॉडर्न। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या है कि मॉडर्न किसको बोलते थे, अगर ब्रिटेन में मॉडर्न का मतलब समझें कि जहाँ पर जब लोगों के अंदर रिनाइसेंस आना शुरू हुआ, एजुकेटेड हो गए लोग, तो उसको हम मॉडर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में कब बोला गया मॉडर्न हिस्ट्री, जब अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए, यानी अंग्रेज़ यहाँ पे आ गए, चाहे हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे हों या ना हों, लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में डाला गया, तो कुछ हमारे हिस्टोरियंस द्वारा। तो लेकिन इसने जो था, इसने मुस्लिम और तीसरा पीरियड इसने लिखा था ब्रिटिश पीरियड। और इसकी जो मिल जो था ये लिखता है कि हिंदुस्तान जो था लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप, ये बोलता है कि हिंदुस्तान के अंदर या एशिया के अंदर जो है सिविलाइजेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी, यानी यहाँ के लोग उतने ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं थे। तो उसकी वजह ये देता है कि एक यहाँ पर रिलीजियस इनटॉलरेंस था,
रिलीजियस इंटॉलरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म थे, इसलिए ये धर्म जो थे आपस में, धर्म के लोग आपस में लड़ते थे। दूसरा ये बताता है कि यहाँ पर कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, कि यहाँ पर के लोग जो थे वो जात पात के नाम पर एक दूसरे से लड़ पड़ते थे छोटी छोटी बातों पर, और जातिवाद का बहुत ज़्यादा यहाँ पर असर था। और जैसा कि हमें भी वो ज्ञात होता है कि किस तरीके से यहाँ पर जातिवाद रहा, तो उसने लिखा कि ये जो था जातिवाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, इसलिए यहाँ की उस सोसाइटी को इसने बोला कि ये अंडर सिविलाइज थे। और दूसरी तीसरी चीज़ जो था उसने बोला सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस अंधविश्वास यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। ये रिचुअल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे यहाँ के लोग, जैसे सती की रस्म थी वगैरह, इसी तरह की चाइल्ड मैरिजेस थी। तो इस सुपरस्टिशन और कास्टिज्म और रिलीजन जो इंटॉलरेंस था, इस बुनियाद पर इसने बोला कि यहाँ पर जो है हिंदुस्तान जो था लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप रखा गया, इसने रखा था। और एक एक्टिविटी रखी है इस बुक में आपके आपके बच्चों के लिए कि आप अपने मम्मी और ग्रैंड मम्मी और ग्रैंड पापा अगर घर में हैं तो उनसे आप इंटरव्यू कीजिए, और उनके जो इंटरव्यू योर मदर और अनदर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, नाउ यू डिवाइड देयर लाइफ। आप एग्जैक्ट डेट नहीं बोल सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने क्या किया, तो आप डिफरेंट पीरियड्स के बारे में आप बता सकते हो और उस पीरियड में क्या होता था, यानी कि जब उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंडर गैस का यूज़ करना शुरू कर दिया, जब उन्होंने हल लगाना शुरू कर दिया, जब उन्होंने रेडियो पे न्यूज़ सुननी शुरू कर दी, जब उसने टीवी पे न्यूज़ देखनी शुरू कर दी, या उनका प्राइमरी एजुकेशन का पीरियड कैसा था, महाराजा राजाओं का पीरियड कैसा था, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा होगा, उसके बाद डोगरा जो किंग्स थे उनका क्या था, उसके बाद जो गवर्नमेंट्स बननी शुरू हुई तो उनका वो पीरियड कैसा था, तो उसके बारे में आप अपने अपने बुजुर्गों से वो एक एक डिटेल बना सकते हैं घर के अंदर। तो और जेम्स मिल का एक और कंसेप्ट था कि उसका मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है वो हिंदुस्तान के लोगों को सिविलाइज बना देगा, क्योंकि हम लोग जो हैं सिविलाइज नहीं हैं, हम वो सोचता है कि हम लोग इतने सिविलाइज नहीं थे, इसलिए ये सोचता है कि जो ब्रिटिश रूल है हिंदुस्तान के अंदर वो हमें सिविलाइज बनाने में मदद करेगा। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्कनेस, यानी ये बोलता है कि जो ब्रिटिश रूल से पहले यहाँ हमारा पीरियड था ये अंधेरे का पीरियड था, यानी बिल्कुल मतलब लोग इतने अनसिविलाइज्ड हो गए थे। कैन सच अ कंसेप्शन आ बी एक्सेप्टेड टुडे? इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? नॉट वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स, वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? टू डू सो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, चीज़ें थी जो जेम्स मिल ने कही थी। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी चली गई है, तो एक्चुअली ये सिर्फ बेस है हमारी हिस्ट्री का। तो आगे जो हमारे चैप्टर्स होंगे उसमें हम हिस्ट्री को, जो मॉडर्न हिस्ट्री या जो बोलेंगे हम ब्रिटिश हिस्ट्री है, उसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से उन्होंने अपना रूल यहाँ पर हिंदुस्तान में स्थापित किया, कैसे क्या क्या हुआ। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये पहला चैप्टर है, व्हेन वेयर एंड हाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। तो